हेलो एवरीवन वेलकम टू स्नेहा हिस्ट्री क्लासेस ये जो वीडियो मैं आज बनाने वाली हूँ ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे रहे हैं सो दिस वीडियो विल बी ऑन हाउ टू अटेम्प्ट हिस्ट्री पेपर इन ऑनलाइन एग्जाम एंड दिस वीडियो इज़ स्पेसिफिकली फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ स्टूडेंट्स बट और भी यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे uh, एग्ज़ाम देने वाले हैं ऑनलाइन या दे रहे हैं तो उनके लिए भी इट विल गिव अ

uh students they have a lot of confusion basically ki karna kaise hai because this this is for the first time that they will going to attend online examination. So I thought of whether why not of make a video so that ki every student गेट सम हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो सो यही पर्पज है इस वीडियो को बनाने का सो so, आप देखेंगे कि अभी जो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन चल रहा है तो इसमें आपको आंसर शीट या तो आपके कॉलेज ने प्रोवाइड जो आंसर शीट्स है वो थोड़ी लिमिटेड है और वो आप या तो अपने कॉलेज में जाके उनसे कलेक्ट कर सकते हो और या फिर आप ऑनलाइन उसको डाउनलोड कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आंसर शीट जो है वो शेयर कर दूंगी जिसको आप उसका प्रिंट आउट निकालना है और उस पर आपने आंसर्स जो है वो अटेम्प्ट करने हैं सो so, ये एक आई एम लेट मी जस्ट शेयर दिस थिंग ओके सो ये आपकी आंसर शीट है इस तरीके की आपकी आंसर शीट होगी जिसमें आपने ये आंसर जो है आपका पेपर है उसके आंसर्स आपने अटेम्प्ट करने हैं तो इसमें आप ये ये देखो कि सबसे ऊपर आपको ये बॉक्स मिल रहा है uh, इसमें लिखा है मेकअप फोटो कॉपी ऑफ योर फाइनल एग्जामिनेशन रोल नंबर एंड पेस्ट तो जो ये आपको एडमिट कार्ड मिलता है उसकी जेरोक्स निकाल के ठीक है उसको कट करके आपको इस कॉलम में पेस्ट करना है उसके बाद आप देखेंगे ये आपकी डिटेल्स मांग रहे हैं जिसमें यू हैव टू द यूनिवर्सिटी रोल नंबर इन फिगर्स देन इन वर्ड्स इसके अलावा अपना नाम क्लास सेमेस्टर सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कोड एंड पेपर कोड तो ये जो पेपर कोड है सब्जेक्ट कोड है ये आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा आप उसके थ्रू इसको फिल कर सकते हो देन देर इज टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटर्न तो कितने पेजेस आपने यूज किए हैं जिसमें आपने लिखा है वो मेंशन करना है देन डेट ऑफ द एग्जामिनेशन उसके बाद ये एक अंडरटेकिंग है दिस इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेजेस ठीक है तो जो कॉलेज के बच्चे हैं उनके लिए ही है कि वेदर दे आर सबमिटिंग द कॉपी ऑनलाइन और हार्ड कॉपी तो आपके पास दो ऑप्शन है या तो आप खुद ऑनलाइन उसको जो आपकी आंसर शीट है उसको अपलोड कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली कॉलेज में जाकर वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम जो है वो आपके इंस्ट्रक्शन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली आप पर्टिकुलरली टाइम फ्रेम में जाके कॉलेज में डायरेक्टली जो है आप अपनी कॉपी सबमिट कर सकते हैं एंड इसके बाद यहाँ पे ये कॉलम है सिग्नेचर का यहाँ पे यहाँ आप साइन करेंगे सो so ये जो पेज है ये एक सेपरेट पेज है यहाँ से जो आप नेक्स्ट देखेंगे पेज वन ऑफ ट्वेंटी सो आपको इस बार जो है सिर्फ ट्वेंटी शीट्स मिलेंगी ठीक है जिसमें आपको ये आंसर्स लिखने हैं यूजअली क्या होता था थर्टी सिक्स पेजेस की शीट्स होती थी तो टेंशन नहीं होती थी जितना मर्जी आप चाहे लिख सको बट बिकॉज अब लिमिटेड कर दी गई है शीट्स तो आपको ध्यान में रखना है ऐसा ना हो कि आप एक लॉन्ग आंसर में ही इतने पेजेस भर दो और दूसरे के लिए आपके पास पेज ही ना बचे तो उसी यही मेन रीजन है कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको जो शीट्स हैं उसी में अपने जो आंसर्स हैं उसको लिमिट करना है और आप ये देखेंगे कि ये जो पेज वन है ये यहाँ पे आपका जो ऊपर का कॉलम है ठीक है तो थोड़ा पेज का कुछ पोर्शन तो आपका इसी के लिए यूज हो जाएगा किसके लिए डिटेल्स के लिए और इसके बाद आपका आएगा सेकेंड पेज देन आप देखोगे थर्ड पेज फोर्थ पेज एंड सो ऑन तो इस तरीके से आपके ट्वेंटी पेजेस हैं और तो ध्यान से आपको इसमें कोशिश करनी है ध्यान से देखो कि कितने पेजेस हैं कितने आंसर्स हैं अभी से दिमाग में बिठा लो कि मैं इस आंसर में इतने पेज लिखूंगा इस आंसर में इतने जिससे कि आप एटलीस्ट पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओ ऐसा ना हो आप चाहे बहुत अच्छा आपको लिखना आता है आपको बहुत याद है बट आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा नहीं आपके पास पेजेस ही नहीं बचे सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें एंड बिकॉज हिस्ट्री एक लेंदी सब्जेक्ट uh, है लेंदी आंसर्स आपको लिखने पड़ते हैं तो उसमें प्लीज आप ध्यान रखिए एंड प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देख एंड तक देखो उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा बिकॉज अब मैं आगे बताने वाली हूं नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द क्वेश्चन पेपर जिससे यू विल गेट एन आइडिया ये जो है दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर है ये आपकी जो बुक है के के गुप्ता अगर आप पढ़ रहे हैं सबरवाल आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के लिए तो उसके एंड में आप देखोगे क्वेश्चन पेपर दिए गए उसी में से मैंने आपके लिए क्वेश्चन पेपर यहाँ पे शेयर किया है तो आप देख सकते हो कि जो आप का जो सिलेबस है इट तो इज डिवाइडेड इनटू फोर यूनिट्स और हर यूनिट में से आ, दो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको कोई एक अटैम्प्ट करना है चॉइस है आपके लिए सो so ये जो पहला क्वेश्चन है आ, तो टोटेलिटी तो, में फाइव क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं ठीक है एंड जो क्वेश्चन नंबर वन इज कम्पल्सरी विच इज द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये कंपल्सरी है तो ये आपको अटेम्प्ट करना ही करना है ठीक है सो so, आप देखोगे आपको फिफ्टीन क्वेश्चन मिलेंगे ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में और इसमें से आपको कोई नाइन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ठीक है अब बेटा ये ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि अपनी शीट्स को लिमिटेड रखो शॉर्ट आंसर्स के लिए कोशिश करो कि मैक्सिमम टू पेजेस ठीक है मैक्सिमम दो पेज में आपने आंसर लिखना है वैसे लिखा हुआ है ट्वेंटी फाइव टू थर्टी वर्ड्स बट इस बार आपको ये लिबर्टी है इन केस आपको पूछा गया है कि आपको कोई प्लेस मेंशन करनी है या ईयर मेंशन करना है डेट मेंशन करनी है ठीक है तो उसमें जैसे कि कोई हरप्पन साइड बताओ चार तो उसमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है उसमें सिर्फ आप जो वो चार प्लेसेस हैं वो मेंशन कर दो ठीक है बिकॉज यू हैव टू सेव पेजेस ऐसा ना हो कि एक ही में लिख जाओ और आगे पेज ही ना बचे अगेन सो so, इसी वजह से इस बार लिबर्टी है कि आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो तो ये चीज ध्यान में रखना सो यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस एंड ये इसके लिए आप मैक्सिमम उससे ज्यादा मत करना अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम होगी तो मैक्सिमम यू हैव टू यूज टू पेजेस फॉर शॉर्ट आंसर टाइम बिकॉज इट इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन इसलिए आपको ये अटेम्प्ट करना ही करना है नाउ नेक्स्ट है आपका आता ये यूनिट वाइज यूनिट वाइज जो आपको लॉन्ग आंसर्स मिलते हैं सो so, पूरा पेपर आपका 90 मार्क्स का है तीन घंटे मिलेंगे आपको अटेम्प्ट करने के लिए तो 90 में से हर क्वेश्चन 18 18 मार्क्स में डिवाइडेड है और दस नंबर की आपकी असेसमेंट जाती है जो आपके टीचर्स ऑलरेडी भेज चुके होंगे ठीक है वो असेसमेंट होती है 90 का आपको पेपर अटेम्प्ट करना होता है तो हर क्वेश्चन 18 मार्क्स का है शॉर्ट भी अब ये लॉन्ग में हम देखते हैं बिकॉज इट इज 18 मार्क्स तो आपको लिखना ज्यादा पड़ेगा तो इसमें आप देखो कि यूनिट वन में सो यू विल गोइंग टू गेट टू क्वेश्चन जिसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट वन तो आप अपना सिलेबस देखेंगे तो आपके पास तीन तीन चैप्टर्स है हर एक यूनिट में से तो उसमें से आप कोई दो कर लो वो फॉर श्योर sure आएगा दो प्रिपेयर कर लो फॉर लॉन्ग आंसर उसमें से एक तो आपका आना ही आना है बट ऐसा मत करना की एक करके जाना हो सके वो एक ना आए तो प्रिपेयर टू फॉर लॉन्ग आंसर्स ठीक है एंड फॉर लॉन्ग आंसर्स यू हैव टू यूज फाइव टू सिक्स पेजेस ठीक है बेटा ऐसा होता है हिस्ट्री में पेजेस काउंट्स क्योंकि लेंदी पेपर है तो आपको डिटेल लिखना है तो अगर आपको चाहे कितना मर्जी अच्छा आता है आप तीन पेज में उसको लिख के आ जाएंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे तो मिनिमम फाइव टू सिक्स पेजेस मतलब मिनिमम फाइव और मैक्सिमम छः इससे ज्यादा मत करना क्योंकि फिर अगेन आपको शॉर्टेज की जो शीट्स की शॉर्टेज है उसकी प्रॉब्लम आएगी उसके बाद है सिमिलरली यूनिट टू यूनिट थ्री यही सेम प्रोसेस आप फॉलो करो नाउ यूनिट फोर में देखो मैप जो है वो कंपल्सरी वो हर साल आता है ठीक है मतलब वो आता ही आता ही है सो so, ये जो मैप है ये आप प्रैक्टिस कर लो ठीक है अच्छे से प्रिपेयर कर लो और कोशिश कोशिश नहीं आई विल से कि आप यही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओ बिकॉज अगर आपने चार लॉन्ग आंसर्स अटेम्प्ट कर लिए तो आपके पास शीट्स नहीं बचेंगी और आपको एंड में प्रॉब्लम आएगी तो आप क्या करिए तीन क्वेश्चन लॉन्ग आंसर करो और फोर्थ यूनिट में से बिकॉज आपको पता है कि मैप आना ही आना है तो आप मैप ही अटेम्प्ट करके आओ सो so मैप में आप देखेंगे जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है मार्क फॉलोइंग हिस्टोरिकल ऑन ऑन द मैप ऑफ ऑफ इंडिया एंड राइट एक्सप्लेनेटरी फोर तो आपको ये जो फाइव प्लेसेज है इसमें से चार की एक्सप्लेनेशन लिखनी है तो अगेन आपने क्या करना है मैक्स क्या करो वैसे तो वन एंड हाफ पेज ट्राई करो यूज करने के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए बट फिर भी मैक्सिमम दो पेज तो दो पेज पेज में आप अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को करोगे, दो पेज में आप क्या करोगे मैप की एक्सप्लेनेशन करोगे जो कि फोर प्लेसेस हैं, ठीक है तो इस तरीके से आप ये दोनों डिवाइड कर दोगे बाकी तो चार पेज हो गए आपके टोटल में टोटलिटी में आप बचते हैं कितने पेज आपके 16 पेजेस सो so 16 पेजेस को इक्वली डिवाइड करो लॉन्ग आंसर्स के लिए आपको लग रहा है कि कम में हो सकता है तो पांच ज्यादा ठीक है तो 15 लगा लो पांच पांच का करके तो एवरेज ऑन एवरेज 15 लगा लो और 15 प्लस फोर ये हो गया आपका 19 एक पेज आप एक्स्ट्रा रखो कि अगर कोई बाय चांस कोई आंसर आपका लंबा हो जाता है तो आप उसमें उसको लिख सको ठीक है तो इस तरीके से आपने बेटा डिविजन करनी है ये सबके लिए है प्लीज ध्यान रखना बिकॉज दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि आपको इतनी लिमिटेड शीट्स है तो ये चीज ध्यान में रखना सो so, ये हो गया आपका अबाउट क्वेश्चन पेपर नाउ आई विल से आपने पेपर करना है ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन आई होप आप सब अच्छा करें एंड uh, अच्छे अच्छे नंबर लेके आए और सो uh, so, all. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अगेन आई विल से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज मैं हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोज भी बनाती हूँ तो आप उसको देख सकते हैं थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स